परंतु शांति की अपेक्षा अशांति ही बढ़ती है। जैसे श्री रामचंद्र जी ने रावण को मारने के लिए युद्ध किया, युद्ध में करोड़ों पुरुष मारे गए, जिनमें धर्मी तथा अधर्मी दोनों ही मारे गए। फिर उनकी पत्नियां तथा छोटे बड़े बच्चे शेष रहे, उनका जीवन नरक बन गया। विधवाओं को अन्य व्यक्तियों ने अपनी हवस का शिकार बनाया, निर्वाह की समस्या उत्पन्न हुई आदि आदि अनेकों अशांति के कारण खड़े हो गए। यही विधि श्री कृष्ण जी ने अपनाई थी, यही विधि श्री परशुराम जी ने अपनाई थी। इसी विधि से दशवां अवतार काल ब्रह्म यानी शर पुरुष द्वारा उत्पन्न किया जाएगा। उसका नाम निकलंक होगा। वह कलयुग के अंतिम समय में उत्पन्न होगा, जो राजा हरिश्चंद्र वाली आत्मा होगी। संभल नगर में श्री विष्णु दत्त शर्मा के घर में जन्म लेगा। उस समय सर्व मानव अत्याचार